ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड गाइस मैं आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगा गाइस, आप लोग जो वीडियो कंप्लीट देखना गाइस तभी जो आप सभी को वीडियो पसंद और मतलब समझ आएगी कि आपको एडिटिंग कैसे करनी है। तो बाकी गाइस चलिए आज की इस वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले करना गाइस आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन गाइस आपको जाना है ऐड फोटो में, एंड गाइस यहां से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को। एंड गाइस फोटो को जो आपको कुछ इस टाइप से क्लिक करवा लेना है, ठीक है गाइस, मतलब कि आपको कहीं पे मतलब कि खड़े होकर एंड आपको मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ से मतलब किसी को जो आपका फोटो क्लिक करेगा उस भाई को आप बोलना कि वो थोड़ा ऊपर से किसी मतलब छत वत के ऊपर चढ़ के आपकी फोटो क्लिक करें। एंड उसके बाद आपको जो है कुछ स्टेप्स यहाँ पे मतलब कि मॉडल को जो है कुछ स्टेप्स यहाँ पे लगा देना है इस पत्थर के पास, जो मतलब कि आपको वॉल जैसी दिख रही होगी। यहाँ पे ला देने के बाद आपको फ्री करना, आपको करना आपको जाना है ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को ऐड करनी है ब्लैक कलर की शीट, एंड इसको आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप्स रख देना है। एंड जाना है आपको यहाँ से इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन है उस पर जाकर आपको उसको मूव डाउन करके एंड इरेजर टूल में जाना है। फिर आपको यहाँ पे जो ब्रश का साइज है वो छोटा कर लेना है। एंड उसके बाद आपको अपनी फोटो को यहाँ पे जूम करना है। एंड फोटो को जूम करने के बाद आपको जो यहाँ पे कुछ मतलब अपने जो हैंड के नीचे कुछ स्टेप्स ऐसे शेडो क्रिएट करनी है। मतलब गाइस मैं आपको कुछ स्टेप्स से शेडोज बनाना सिखा रहा हूँ, अगर आपको किसी और तरीके से शेडो बनानी आती है तो गाइस आप उस तरीके से शेडो बना सकते हो। तो गाइस मतलब कि मैटर कुछ नहीं करता, बस आपको शेडो बनानी आनी चाहिए, आप किसी भी तरीके से बनाओ, बस आपकी शेडो बनी होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई मतलब जरूरी नहीं है कि आप जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे शेडो बनाओ, आपको जिस तरीके से आता है वैसे शेडो बना सकते हो। तो गाइस मैं इसको यहाँ पे थोड़ा फटाफट इसको शेडो यहाँ पे बना लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ मैं आगे का प्रोसेस। तो इसको मैं पहले यहाँ पे फटाफट कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे जो हमारे शेडो बन चुके, तो अब क्या करेंगे हम गाइस जो यहाँ पे शेडो की ओपेसिटी है वहाँ पे हम यहाँ पे कम रखेंगे, ठीक है, अराउंड यहाँ पे को 60 तक रखेंगे। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड इसको कर देना है डन। एंड इतना कर देने के बाद आपको जाना गाइस अगेन ऐड फोटो में, गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को एक विग्नेट का पीएनजी। सो हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। एंड उसके बाद इसको ऐड करने के बाद आपको कुछ स्टेप्स इसको इस तरीके से फुल स्क्रीन कर देना है, कुछ इस तरीके से गाइस दिख रहा होगा आपको। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आप अगर आपको इसकी ओपेसिटी ज़्यादा लगे तो आप इसको कम कर लेना, बाकी आपकी मर्जी है, बाकी इसको आप डन कर देना है। फिर उसके बाद आपको जाना है ऐसे ऐड फोटो में, गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को एक पार्टिकल का पीएनजी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको इसको लेने के बाद आपको क्या करना, पहले इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, एंड इसके बाद जाकर इसको स्क्रीन कर देना ब्लेंडिंग मोड, एंड इसको फुल स्क्रीन करना कुछ इस टाइप से। एंड इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है, मतलब गाइस कुछ पार्ट जो आपके मतलब फेस के ऊपर भी आएगा तो उसको इरेज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इरेजर टूल में, एंड उसको जो फेस के ऊपर जो भी एरिया आ रहा होगा उसको इरेज कर लेना है। एंड उसके बाद इसकी ओपेसिटी जहाँ पे आपको उसको कम रखना है, ठीक है, अराउंड 60 तक रखना है। एंड उसके बाद अगर आपको इसका साइज छोटा करना हो तो भी कर सकते हो, बाकी आपको इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली फोटो को जो यहाँ पे डन कर लेना है, बाकी और कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। बाकी जो नीचे की साइड है इस तरीके से आपको यहाँ पे नीचे की साइड से इरेज कर लेना है, बाकी आपको फोटो को यहाँ पे कर देना है डन। अब इतना कर देने के बाद आपको ये करना है, आपको यहाँ पे अपनी फोटो को सेव कर लेना है, क्योंकि हमारा पिक्सआर्ट का जो काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो अब हम इसको लेके चलेंगे लाइटरूम ऐप में। लाइटरूम ऐप में ले जाने के बाद गाइस आपको अपनी फोटो को यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना है स्लाइड वाले ऑप्शन में, आपको इसका कॉन्ट्रास्ट जो उसको बढ़ा देना है। एंड जो गाइस हाईलाइट है इसको यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पे इसको प्लस कर देना है। एंड जो शेडो है इसको यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा माइनस कर देना है। एंड जो व्हाइट है इसको यहाँ पे इंक्रीज कर देना है, ठीक है। एंड जो ब्लैक है इसको यहाँ पे आपको थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है। फिर इतना कर देने के बाद आपको जाना है ऐसे कलर्स में, आपको यहाँ पे फोटो की जो वाइब्रेशन दिख रही है आपको उसको बढ़ा देना है। एंड जो फोटो में टेम्परेचर है इसको थोड़ा कम कर देना है। फिर जाना आपको कलर मिक्स में ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन आपको थोड़ा माइनस करना अपने फेस के अकॉर्डिंग, देन आपको इसका ल्यूमिनस बढ़ा देना है। फिर इतना कर देने के बाद आपको क्या करना, आपको जाना है येलो कलर में। येलो कलर में जाने के बाद आपको जो फेस का टोन है येलो टोन में देना है, तो उसके लिए आपको सैचुरेशन प्लस कर देना है। एंड जो ग्रीन कलर है इसका जो है ह्यू है आपको यहाँ पे छेड़ना नहीं है, आपको सैचुरेशन कम कर देना है बस। एंड जो डार्क ब्लू है जिसका भी सैचुरेशन आपको माइनस कर देना है, ठीक है। एंड उसको इतना कर देने के बाद आपको कर देना है फोटो को डन। एंड इतना हो जाने के बाद आपको जाना है कलर के नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो क्लियरिटी इंक्रीज करनी है। फोटो में जो विग्नेट दिख रहा है गाइस आपको वो डाल देना विग्नेट, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग डालना विग्नेट। एंड नीचे मिलेगा आपको ग्रेन माउंट, आपको उसको भी बढ़ा देना है। एंड उसके बाद आपको जाना है नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे गाइस फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है। नीचे आपको मिलेगा गाइस नोड डायरेक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोड डायरेक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। सो गाइस यहाँ पे हमारी फोटो पर कंप्लीट एडिट हो गई है। तो गाइस आशा करता हूँ और आपसे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ गाइस अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके तो गाइस इन दोनों में से किसी भी एक वीडियो पर क्लिक करके आप कोई भी वीडियो को वॉच कर सकते हो। बाकी चलिए गाइस मिलता हूँ सभी से किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।